फरीदाबाद में लगने वाले 37वें अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प सूरजकुंड मेले की तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही है, तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ तैयारी का जायजा लेने को लेकर लगातार अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं। इस बार सूरजकुंड में दर्शकों को आकर्षित करने को लेकर खास तैयारी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक इस बार सूरजकुंड मेले में अयोध्या के राम मंदिर की झलक नजर आएगी, जो दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगी। तो वही थीम स्टेट इस बार गुजरात को रखा गया है और पार्टनर कंट्री के तौर पर तंजानिया देश सूरजकुंड मेले में हिस्सा लेगा। वहीं जानकारी देते हुए सूरजकुंड मेला अथॉरिटी के अधिकारी हरविंदर सिंह ने बताया कि पहले के मुकाबले इस बार 37वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में बहुत कुछ खास रहने वाला है। इस सूरजकुंड मेले का उद्घाटन 2 फरवरी को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। वहीं 18 फरवरी तक चलने वाला सूरजकुंड मेले में हर दिन दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा। इतना ही नहीं, इस मेले में पहले के मुकाबले ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। वहीं सुरक्षा के लिहाज से पूरे मेले परिषद में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो कि चप्पे पर नजर रखेंगे। तो वहीं सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी मेले में सुरक्षा व्यवस्था को कायम रखने के लिए तैनात रहेंगे। जैसा कि आपने अभी देखा होगा मेले में मेरे साथ घूम के, कि तैयारियां तो हमारी युद्ध स्तर पे चल रही है, जोरों से चल रही है, क्योंकि महामहिम को 2 तारीख को आना है इसके इनॉग्रेशन के लिए, तो तैयारियां उसी हिसाब से हम लोग जोर शोर से कर रहे हैं इसके। इस बार क्या कुछ खास विशेष रहने वाला? विशेष तो मेला अपने आप में बहुत खास है, तो ऐसे तो कुछ कहने को नहीं रहेगा कि खास रहेगा। ये जरूर आप लोगों के लिए सरप्राइज रहेगा मेले में, इस बार भी तो जरूर खास दिखाएंगे आप। देखिए, हम जिस देश में है वहाँ पे माना जाता है कि कण कण में ही है भगवान है, तो वो तो आपको झलक मिलती रहेगी, यहाँ पे भी मिलेगी आगे भी। थीम स्टेट इस बार हमारा गुजरात स्टेट है और पार्टनर नेशन में तंजानिया ने भागीदारी की है। जरूर हम पूरी उम्मीद लगाए बैठे हैं इससे, और तैयारियां उसी हिसाब से की जा रही है कि भीड़ को ज्यादा से ज्यादा है। हम लोगों तक अप्रोच भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया से भी कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट से भी कर रहे हैं और बाकी सभी तमाम माध्यमों से हम प्रचार कर रहे हैं। सुरक्षा लिहाज से बात की जाए तो किस तरह? सुरक्षा लिहाज से डेली यहाँ पे अभी भी DCP साहब का जैसे दौरा था, वो एक एक मिनट की यहाँ पे पूरी ले रहे हैं खबर, और पुलिस महकमा काफी दुरुस्त हो रहा है। इस बार भी संख्या भी बढ़ रही है जैसे पर्यटकों का हिसाब लगाया जाए। सबसे बड़ी समस्या रहती है कि कहीं ना कहीं जो है वो पानी के पीने की व्यवस्था बहुत कम नजर आती है, तो इस बार क्या उसमें सुधार नजर आएगा? मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा अगर आप इस बात से अवगत करवा रहे हैं, मैं जरूर संज्ञान लूंगा, लेकिन हमारे जितना मेरे समझ में है ऐसा कभी हुआ नहीं है। पानी की कभी हमारे कमी नहीं रही है और पीने का पेरिशेबल पोर्टेबल जितना भी रहेगा अच्छा पानी।